बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी कि जिससे आप अपने चावलों को सुंडी सुसरी या कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। और अगर चावलों में सुंडी सुसरी या कोई कीड़ा लग चुका है तो इनसे हम चावलों को किस तरह से भगा सकते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से 5 मिनट के अंदर अंदर। वीडियो की सभी टिप्स बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और फुल वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। इस तरह की बॉटल्स में हमारे घरों में शैम्पू या लिक्विड सोप आता है, तो क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, इसको पंप करते हैं, तो बहुत ज्यादा बल्कि जरूरत से ज्यादा शैम्पू या लिक्विड सोप बाहर आ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट भी होता है, तो इससे बचने के लिए इस तरह के रबर बैंड ले लेंगे। रबर बैंड को हम ये पंप वाली साइड पे इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस बोतल के ऊपर पंप के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब जब भी हम कोई भी साबुन या शैम्पू निकालना चाहेंगे तो उतनी ही क्वान्टिटी निकलेगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, तो इस तरीके से हमारा शैम्पू या लिक्विड सोप ज़ाया होने से बच जाएगा। बारिश के दिनों में एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये कि मैच बॉक्स को जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये गीली होने की वजह से काम ही नहीं करती, और माचिस की डिब्बी की जो स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर भी नमी आ जाती है और वो काम ही नहीं करती। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लें और इस बॉक्स के अंदर डाल दें। चावल नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और माचिस की डिब्बी और स्टिक्स जो हैं वो नमी से बच जाएंगी। जब हम ड्रेसेस की शॉपिंग करते हैं तो ड्रेसेस के साथ इस तरह के टैग्स लगे होते हैं कि इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको वेस्ट करने का दिल नहीं करता, तो इनको किस तरह से अपने यूज में लेकर आते हैं चलें देखते हैं। इस टैग के ऊपर से जो फ्लोरल प्रिंट वाला टैग है उसको सेपरेट कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा दूसरे टैग्स हैं उनको मैं सेपरेट कर दूंगी। अब इस फ्लोरल टैग को हम तैयार करेंगे किस तरह से कि कोई से भी एक आप टेप ले लें और इस टेप को काट के जो राइटिंग है उसको हाइड कर देंगे हम, तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक फ्लावर सा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस टैग के ऊपर आप अपने बच्चे का नाम लिखें और इसको आप अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि बच्चों का छोटा जो बैग होता है छोटे बच्चों का, इस बैग के ऊपर आप लगा सकती हैं, या लंच बॉक्स के लिए बच्चे जो बैग यूज़ करते हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं, तो इस तरह से बैग जो है वो मिसप्लेस होने से बच जाएगा और बच्चे भी इस तरह की यूनिक सी चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। या इसको आप किसी भी बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। अचार के कंटेनर में कभी भी स्टील का चम्मच या फोक बिल्कुल ना रखें क्योंकि इनके ऊपर जंग लग जाएगा, बल्कि इसकी जगह पे लकड़ी का जो चम्मच होता है वो, या जैसे आइसक्रीम्स के साथ चम्मच मिलते हैं प्लास्टिक के, वो आप सेव कर लिया करें, उसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा कर आप इस कंटेनर के अंदर रख सकती हैं। अदरक को अगर आप छुरी के साथ छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा थिक सी लेयर उतरती है और मुश्किल से इसका छिलका उतरता है, इसकी बजाय अगर आप चम्मच के साथ उतारें इसका छिलका तो इसकी बहुत ही बारीक सी थिन सी लेयर उतरेगी, अदरक वेस्ट भी नहीं होगा और इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ अदरक छीला जाएगा। लहसुन छीलना अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड टास्क होता है। जॉब वाली लेडीज इस तरह से लहसुन छील के इस तरह के जो जिपलॉक बैग होते हैं उसके अंदर डाल के फ्रीज कर सकती हैं। लहसुन को जब आप 1 महीने बाद भी निकालेंगी तो लहसुन बिल्कुल फ्रेश होगा। इस तरह से जॉब करने वाली लेडीज अपना अच्छा खासा टाइम सेव कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह से अदरक को भी अच्छी तरह से छील कर उसको धोकर इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसिस में काट कर जिपलॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज कर सकती है। 1 महीने तक अदरक इस तरह से सेव किया हुआ बिल्कुल सेफ रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। या अदरक और लहसुन को छीलकर काटकर इस तरह से जग में डालें, 1 कप पानी डालें और इसके अंदर एक ऐसी चीज डालें जिससे आपका लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी रंग उसका चेंज नहीं होगा, और वो चीज है सफेद सिरका। सफेद सिरका की आपने सिर्फ 2 चम्मच इस पेस्ट के अंदर डाल देने हैं, तो इससे आपका जो पेस्ट है अदरक और लहसुन का इसका रंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर हम वैसे ही इसको पेस्ट बनाकर रख दें तो कुछ दिन बाद अदरक और लहसुन का कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। सफ़ेद सिरका डालकर अदरक और लहसुन इस जग के अंदर डालकर 1 गिलास पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया तो ये बहुत अच्छा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हो तो हांडी पकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है, स्पेशली जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अदरक और लहसुन को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उस वो लेनी है हमने, और अदरक लहसुन को
इसके अंदर फिल कर लें। आइस क्यूब्स के अंदर अदरक और लहसुन डालने से आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अदरक और लहसुन को का पेस्ट निकाल के बाहर रख के इसको मेल्ट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जस्ट आपने आइस क्यूब्स में से इसके क्यूब्स निकालने हैं और रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपनी हांडी के अंदर डाल के इसको यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से जॉब करने वाली लेडीज़ के लिए बहुत ही टाइम सेविंग चीज़ बन जाती है। अब इन ट्रेस को मैंने ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट आइस क्यूब्स की शक्ल तैयार कर लेगा। अब आपने इन सारे क्यूब्स को किसी प्लेट में निकाल लेना है और इस तरह से नूटेला या कोई भी जो जैम वगैरह के खाली जार होते हैं इनको वेस्ट ना किया करें, बल्कि वॉश करके इसको अच्छी तरह से ड्राई करके इस अदरक लहसुन के क्यूब्स को इन जार के अंदर डाल लें। अब इस जार को एयर टाइट बंद करके मैं फ्रीजर में रख दूंगी और इस तरीके से आइस क्यूब्स को निकाल के अपनी हांडी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में यूज कर सकती हूँ। इस तरीके से पूरा महीना आपको अदरक और लहसुन छीलना नहीं पड़ेगा और आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। फैमिली के साथ अगर आप सफर कर रहे हैं तो ब्रशेस को साथ लेके जाना हो तो इसके लिए इस तरह से जो बाल डाई करने वाली पैकिंग आती है इनके अंदर पॉलीथीन की ग्लव्स होते हैं, इन ग्लव्स के अंदर आप अपने ब्रशेस को सेव करके अपने बैग के अंदर रख सकती हैं। तो इस तरह से ये होगा कि ब्रशेस बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे को टच नहीं होंगे और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। मानसून के मौसम में अनाज को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, स्पेशली चावल बहुत ही सेंसिटिव सा अनाज होता है, क्योंकि अगर कीड़ा लग जाए चावलों को तो ना तो इसको हम धो सकते हैं और ना ही चावलों को हम धूप लगवा सकते हैं। इन दोनों तरीकों से चावल बिल्कुल खराब हो सकते हैं। तो चावलों को कीड़ा लगने से बचाने के लिए पहला तरीका ये है कि आप चावलों के अंदर लौंग डाल दें थोड़े थोड़े फासले पर, और बिल्कुल इस तरह से कि बिल्कुल एक लेयर के अंदर कुछ लौंग डाल दें, कुछ सेंटर में और कुछ ऊपर। तो इस तरीके से चावलों को कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चावलों को सुंडी और सुसरी से बचाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से तेज पात ले लें और बिल्कुल एक सेंटर में रख दें, एक नीचे वाली लेयर में रख दें और एक ऊपर रख दें, तो इस तरह से भी चावल सुसरी और सुंडी से बच जाएंगे। बरसात के मौसम में चावलों को सुंडी और सुसरी से बचाने के लिए तीसरा तरीका यह है कि नीम के पत्ते ले लें और कुछ पत्ते नीचे वाली लेयर में, कुछ सेंटर में और कुछ ऊपर वाली लेयर में रख दें, तो इस तरीके से भी चावल सुसरी और सुंडी से बच जाएंगे। चावलों को सुंडी और सुसरी से बचाने के लिए चौथा तरीका यह है कि माचिस की स्टिक्स ले लें जिसके ऊपर मसाला लगा हो। अब इन स्टिक्स को आपने चावलों के अंदर रख देना है कुछ थोड़े थोड़े फासले पे, तो इस तरह से भी चावलों के अंदर सुंडी और सुसरी बिल्कुल भी नहीं पैदा होगी। आपने अगर कोई सा भी तरीका अडॉप्ट नहीं किया हुआ और चावलों में सुंडी और सुसरी पैदा हो गई है, तो उसके लिए आपने नीम के पत्ते लेने हैं, काली मिर्च के कुछ दाने ले लें और कुछ लौंग के दाने ले लें और 5 से 6 कलियां लहसुन की ले लें। मेरे पास लहसुन का पेस्ट था, मैं पेस्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को आपने जो मसाला बनाने वाली डिब्बी होती है उसके अंदर डाल लेना है। याद रहे कि मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब इस तरीके से इसका पाउडर सी शक्ल आ जाएगी। अब इसको आपने क्या करना है कि इसी प्लेट के अंदर रख लें और जो चावलों का कंटेनर है उसके अंदर दरमियान में करके इस तरीके से आपने इसको रख देना है। अब कंटेनर का ढक्कन ले लें और इस ढक्कन को इस तरीके से रखें कि चावलों का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल ओपन रहे। 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर सारी सुसरी चावलों में से बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद आप चावलों को जिस तरीके से समेटती हैं, रखती हैं गर्मियों में, उस तरीके से आप इसको रख सकती हैं। जैसा कि अक्सर लोग चावलों के अंदर बोरिक एसिड लगाकर चावलों को प्रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि किसी भी किस्म का मॉइस्चर या कोई भी मजीद सुसरी या सुंडी ना पैदा हो। बोरिक एसिड पाउडर लगाने के बाद भी चावलों को किसी एयरटाइट बंद जार में रखें ताकि एक बाहर से नमी हवा की अंदर चावलों में ना जा सके। अगर नमी जाएगी तो चावलों को कीड़ा लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। इन तमाम टिप्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगी तो चावल आपके 2 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे। आप 2 साल तक चावलों को इस तरीके से सेव कर सकती हैं। आटा भी बहुत ही सेंसिटिव सा अनाज होता है, क्योंकि चावलों की तरह इसमें हम ना तो बोरिक एसिड डाल सकते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जिससे इंसानी सेहत ख़राब हो सकती है। आटा को नमी से बचाना चाहिए और दूसरे नंबर पे इसमें आप तेज़ पात डाल सकते हैं जिससे आटे के अंदर ना तो सुसरी पैदा होगी और ना ही सुंडी पैदा होगी। तो बस आपने क्या करना है कि आटा को एक तो आपने एयरटाइट जार में रखना है और दूसरा इस तरीके से आपने एक पत्ता इस जार के अंदर रख देना है। इस तरीके से आटे में ना तो नमी होगी और ना ही सुसरी सुंडी पैदा होगी। व्हाइट विनेगर हमारे किचन में आम मौजूद होता है, जिसको सफ़ेद सिरका भी कहते हैं, और ये चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है। चींटियों को सफ़ेद सिरके की स्मेल बहुत बुरी लगती है। जिस सरफेस पे भी आप सफ़ेद सिरके की लेयरिंग कर देंगे वहाँ पे ना तो चींटी आएगी, ना ही मक्खी मच्छर और कॉकरोचेस आएंगे। जैसे कि काउंटर टॉप के ऊपर हमारा कोई ना कोई आटा गिर जाता है या कोई ना कोई अनाज गिर जाता है, जिसकी वजह से चींटियाँ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जस्ट स्प्रे बॉटल के अंदर आपने सफ़ेद सिरका डालना
लगाना है, उसका छिड़काव करना है और उसके ऊपर हल्के से कपड़ा फेर देना है। तो इससे ये होगा कि चूंटियाँ ना तो आएंगी, ना ही मक्खी आएगी, ना मच्छर आएंगे, ना ही कॉकरोचेस आएंगे। इसके अलावा फर्श के ऊपर भी आप सफ़ेद सिरके का छिड़काव करके उसके ऊपर मॉप लगा देंगे तो इससे भी फर्श के ऊपर ना तो चूंटियाँ आएंगी, ना ही मक्खी मच्छर आएंगे और ना ही कॉकरोचेस आएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ स्पेशली जिसके अंदर मीठी चीज़ हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती हैं, तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि कॉटन ले लें, कॉटन के ऊपर थोड़ा सा आप सफ़ेद सिरका अप्लाई कर दें और उसके बाद पूरी इस बोतल के ऊपर अच्छे तरीके से आपने सफ़ेद सिरके की इस कॉटन के साथ सफ़ेद सिरका अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि चूंटियाँ बिल्कुल भी इस जार के ऊपर नहीं आएंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।